हेलो गाइस, मैं सूरज रास और आज आपकी नई वीडियो के साथ आ गया दोस्तों। और आज के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बीकॉम वालों की। आज से स्टार्टिंग वीडियोस यहां 2020 में आने वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। 2020 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है और 85% प्लस लाना है। जी हाँ, यदि 85% प्लस लाना चाहते हो बीकॉम में भी, बीए बीएससी बीकॉम, यदि आपको भाई हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी में पढ़ रहा है, तो हमने 2020 में आने वाले क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चनों को रट के चले जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वीडियो का, आप वीडियो को देख लीजिए और अपने पेपर देने चले जाइए। बस मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोस्तों आपको 85% दिला के रहूँगा। अब इन क्वेश्चनों के अलावा जो आपको मैं इस वीडियो में 18 से 19 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, बस यही क्वेश्चन आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम में। देखिए, लगातार जो सालों से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को देखिए, बीकॉम का पार्ट सेकंड है, मतलब किस बीकॉम सेकंड ईयर वालों की बात कर रहा हूं। और जो पेपर का नाम की बात है, फंडामेंटल तो जानते ही हैं, फंडामेंटल ऑफ इंटर जो प्रिंसिप है उनकी बात करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रियनशिप की बात कर रहा हूँ, जिसके हम हिंदी में जो बोला जाता है उद्यमिता के मूल तत्व कहा जाता है, जिस पेपर को आप जानते ही हैं। तो यहाँ बात करने वाले इन क्वेश्चनों में कुल 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रियनशिप की बात करने वाले, तो इसको जितने भी जिसने सब्जेक्ट को चूज कर रखा है, ये जिसके पास ये सब्जेक्ट है, तो उनके लिए केवल यही क्वेश्चन याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चलते हैं, पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या याद करना है, देखिए यहाँ कह रहा है नेतृत्व। जी हाँ, नेतृत्व जो क्षमता है उनकी परिभाषा बता देनी है, साथ ही साथ आपको जो उद्यमिता के जो नेतृत्व है उनकी विशेषताओं के बारे में देख लेना है, उनके गुण को देख लेना है, ठीक है ना। तो आपको यह चीज बनता है। उसके बाद में दूसरा आपको जो क्वेश्चन याद करना है, साथ ही साथ इसमें जो अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है उद्यमिता, उद्यमिता क्या होती है, जिसे इंटरप्रीनरशिप कहा जाता है, ठीक है ना। उसकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, ठीक है ना, याद रख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, तो फंडामेंटल होते हैं नेतृत्व तत्व कहा जाता है, क्षमता कही जाती है, वो आप जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहां बोला जा रहा है तो अभिप्रेरणा है, उससे अभिप्रेरणों की परिभाषा आपको बता देना है, अभिप्रेरण क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है, उसके बाद देखना है उसकी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया उनको बता देना, उसको समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा वो होता है जोखिम पूंजी। जी हाँ, जोखिम पूंजी क्या होती है, या फिर आपसे पूछ लेगा जो साहसी पूंजी है उसका अर्थ बताइए। देखिए, जोखिम पूंजी या साहसी पूंजी आपको दोनों में से पूछ लेगा, इसका अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ इसकी विशेषता के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी इसकी विशेषता भी पूछ लेता है। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उत्क्रम, जी हाँ, उत्क्रम जो स्थापना है, उसके जो प्रक्रिया है उसको संक्षेप में आपको वर्णन कर देने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो नो आपको, देखिए आपको अपने बुक पे एक्चुअली टच लगा लेना है, टिक कर देना है कि आपको ये 2020 में याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। तो यहाँ बात करूँ नवाचार क्या होता है, जिसे प्रजनन कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो नवाचार का अर्थ क्या होता है आपको देख लेना है, उसकी विशेषता को देख लेना है। साथ ही साथ जो उद्यमिता होती है उसको मनोविज्ञान की प्रक्रिया है उसको समझाना पड़ेगा, कि जो उद्यमिता है उसमें एक मनोविज्ञान की एक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप जानते हैं संतुलित, जी हाँ, जो जो संतुलित होता है, संतुलित आर्थिक विकास होता है, उसको आपको अर्थ बता देना है, उसके प्रकारों को आपको देख लेना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद करना है वो है, आप तो जानते हैं भारतीय मानक जो यूरो है, जिसे हम BIS कहा जाता है या फिर ISO कहा जाता है, वो 9000 या 9000 की बात की जा रही है, उद्देश्यों को बता देना है, उनकी कार्यविधियों का वर्णन कर देना है, जो 1900 के अधीन, ठीक है ना, 1900 के अधीन आपको करना है। उसके बाद में जो उद्यमिका का अर्थ है उसको देख लेना है, उद्यमिका जो आर्थिक विकास है उसको कैसा हुआ, उसकी क्या भूमिका रही है, ये आपको देख लेना है। साथ ही साथ आपको उद्यमिता का जो विकास कार्यक्रम है, जो जिसे हम कार्यक्रम EDA कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी समस्याओं को बता देना है, साथ ही साथ उनके सभी जो समाधान हेतु उनके सुझाव क्या रहेंगे, ठीक है ना, उद्यमिता के जिसे इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है उनके उद्देश्य क्या रहेंगे, उनके सुझाव क्या रहने वाले हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको देखिए बात की जाए, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो निर्यात जो प्रतिहसान है होता है वो क्या होते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या सहायक है, वो क्यों सहायक है वो बता देना है, उनकी क्या कठिनाई है ये भी आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के एग्जाम के लिए। देखिए आप रटते रहिए, आपका हाई स्कूल BSc या फिर BA फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, BA फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर में आपका भाई बहन कोई भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के एग्जाम के लिए बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सर, देखिए यहाँ बात की जा रही है सर MSP जो अखोरी मॉडल था उसको आपको बता देना है। साथ ही साथ एक उद्यमी जो
जिसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक ना, पूर्व ग्रह कहा जाता है, उसको देख लेना है, पूर्व ग्रह उदामी पूर्व ग्रह आपको देख लेना है। और साथ में साथ उद्यमी जो प्रबंधक है उसको विभेदन क्षमता बता देनी है, मतलब इन दोनों में विभेदन बता देना है, ठीक है ना, उद्यमी और प्रबंधक में क्या, इन दोनों में क्या विभेद होता है ये आपको देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वो होता है जोखिम के प्रकार कितने होते हैं। हाँ जी, जोखिम के प्रकार, आपने हमारा चैनल अभी तक पेपर हैकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है, वो करता है नियोजन। जी हाँ, नियोजन की परिभाषा देख लेना, उनकी विशेषता को देख लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट को जो क्वेश्चन देखना पड़ेगा वो मान जी जो सामता होती है उसका व्यवहार नीति क्या होती है, सीमाएं क्या होती है, वो आपको देख लेना है। और साथ ही साथ यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो जो उद्यमी हो है उसमें उद्यमी है उसका जो समक्ष आने वाले जो समस्याएं हैं वो क्या क्या होती है ये आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आप जानते हैं स्वस्थ के प्रकार को आपको देखना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा वो प्रेरणा के जो महत्व है उन पर प्रकाश डालना पड़ेगा, ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सृजनता जो संतात्मकता है उसकी प्रक्रिया को समझाना है, उसके प्रकारों को बता देना है, वो भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लघु उद्योग विकास संगठन है, ठीक है ना, आप जानते ही हैं SIDO जो कार्य है उनको बता देना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ने कह दिया कि जो यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है औद्योगिक नीति 1991 में जो उसकी विशेषता है उनके आपको उद्देश्यों के भी देखना पड़ेगा, विशेषता भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पर टिक लगाते रहिए। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा जो भारतीय राष्ट्रीय जो पर्यावरण है उसकी नीति क्या है उनको आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ ये दो क्वेश्चन और याद करना है, उसके बाद में कुछ भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में 2020 में। उसके बाद में जो आप जानते हैं आयात निर्यात की नीति 2002 से लेकर 2007 की विशेषताओं को बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और रोजगार आप तो जानते हैं, रोजगार के अवसर को जो सृजन की उद्यमी जो की भूमिका रही है वो क्या रही है रोजगार के प्रति, बस आपको इतने से क्वेश्चन 1819 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, आपको ये को याद करने, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, अभी ये को याद करके चले जाइए और फिर 85% प्लस लाइए फटाफट। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, बी ए फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बीकॉम वालों के लिए एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत ही जल्दी आने वाली है सारी की सारी। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर। गुड बाय।